अस्थायी कोविड सेंटर में विधायक राकेश गिरी के द्वारा 67 बेडों की गई व्यवस्था। विधायक राकेश गिरी ने पहुंचकर किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। टीकमगढ़ शहर में कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी को लेकर विधायक राकेश गिरी के द्वारा पलंग के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी गई। वहीं शहर की जेल के सामने अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अस्थायी कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसका शनिवार के दिन विधायक राकेश गिरी ने पहुंचकर निरीक्षण किया और विधायक राकेश गिरी के द्वारा दी गई राशि से आए बेडों को विधायक राकेश गिरी के द्वारा कोविड सेंटर में रखवाया गया। विधायक राकेश गिरी ने बताया कि शहर में बीते दिनों से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर शहर के जिला जेल के सामने अस्थायी कोविड सेंटर बनाया गया, जिसमें मेरे द्वारा 10 लाख रुपए की राशि कोविड सेंटरों में बेडों की व्यवस्था के लिए की गई, जहाँ शनिवार के दिन 67 बेडों को मंगवाया गया, जिन्हें कोविड सेंटर में रखवाया गया। वहीं विधायक राकेश गिरी ने कहा कि कोरोना वायरस अपनी तेजी से फैल रहा है, इसलिए आप सभी अपने घरों पर रहें और शासन के आदेशों का पालन करें। बस समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलें तो मास्क का उपयोग जरूर करें। इस मौके पर डॉक्टर प्रशांत जैन, डॉक्टर अनुज रावत, नंदकिशोर दीक्षित, MD सोनी सहित कर्मचारी मौजूद रहे। जो निरंतर बढ़ रहा है, संक्रमण फैल रहा है और कोरोना की मरीजों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है और जिला हॉस्पिटल की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से भी ज़्यादा व्यवस्था प्रशासन द्वारा अस्पताल में की गई है, उसके बाद भी मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसलिए आज जो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है, वहाँ कोविड सेंटर अस्थायी रूप से अस्पताल बनाया गया है। इसमें मैंने विधायक निधि से राशि दी थी, जिसके पलंग वगैरह सब यहाँ लगाए जा रहे हैं और भी स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगाए जा रहे हैं। आज से जो मरीजों की संख्या बढ़ेगी, अस्पताल से जो अस्थायी अस्पताल कोविड सेंटर बनाया है, इसमें शिफ्ट किया जाकर उनका उपचार किया जाएगा।